subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. Hello friends, मैं श्याम वर्मा एक बार फिर से आपका केमिकल मीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं कसर ग्राइंडर साइड एक्शन के इक्विपमेंट, अब हम बात करें कि इंडस्ट्री में जो हमारे कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस द्वारा की जाती है। तो आज के टॉपिक में हमारे टॉपिक का नाम है अमोनिया, इंडस्ट्री में अमोनिया कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनती है। जैसे अमोनिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि जैसे हम फार्मूला इसका जानते हैं NH3, मतलब नाइट्रोजन एक मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है। देखते तो अमोनिया जो बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाती है हमारी अमोनिया। ठीक, जैसे हम रिएक्शन बैलेंस करें तो हमारी कैसे बनती है, और ये जो हमारी रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं फेरिक और जो प्रमोटर होते हैं वो मॉलिब्लेटिनम यूज किए जाते हैं। तो ये तो हमारी होती है रिएक्शन की कैसे होती है, अमोनिया कैसे बनती है। ठीक, इसको जो हम इंडस्ट्री में फ्लोशीट के बारे में जो जानते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है उसके बारे में देखते हैं कैसे बनती है। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है अमोनिया की फ्लोशीट है, तो सबसे पहले बात आती है हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलती कहाँ से है। तो हम जो नाइट्रोजन होती है वो हम एयर से सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि एयर में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारी गैसें में प्रेजेंट है, वहां से हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ से ले, हाइड्रोजन हम नेचुरल गैस से लेते हैं, नेचुरल गैस को गेल इंडस्ट्री से हम ले लेते हैं और उसको यहाँ पर प्योरीफाई करके हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब इन दोनों गैसों को हम लेकर आते हैं कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है, इसे कंप्रेस करके ताकि ये पाइप में फ्लो आसानी से हो सके, अब इसे फ्लो करा देते हैं। अब कंप्रेसर से जब आगे बढ़ेगी तो अब हमारी सेक्शन आती है ऑयल फिल्टर, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उनमें ऑयल लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक, उन प्रॉपर्टी को यहाँ से ऑयल फिल्टर द्वारा मूव कर दिया जाता है, मतलब ऑयल को यहाँ से सेपरेट कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम जाते हैं फीड गार्ड। फीड गार्ड क्या होता है, इसमें क्या की जाती है, हमारी जो CO होती है और CO2 होती है उसे मेथेन में कन्वर्ट कर दी जाती है, CH4 में, इसे मेथेन में कन्वर्ट कर दी जाती है। और इसका एक काम है, ये जो आर्गन हमारी गैस होती है जो हमारी अमोनिया के लिए पॉइजन का काम करती है, उसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, आर्गन गैस को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक, अब हमारी जो प्योरीफाई बची नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसे हम रिएक्टर में ले जाते हैं। ठीक, रिएक्टर का क्या काम होता है कि जो हमारी हाइड्रोजन नाइट्रोजन उन्हें आपस में रिएक्ट कराती है। ठीक, किसके प्रेजेंस में, इसको लाते हैं इसमें और रिएक्टर में क्या करती है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करती है और इसकी रिएक्शन जो होती है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो हमारी बनी अमोनिया वो Fe के कैटलिस्ट यूज होंगे और MO प्रमोटर हमारे होंगे। ठीक, इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है 500 से 600 डिग्री, ये दोनों गैसें आपस में रिएक्ट होकर अमोनिया गैस बनाती है। ठीक, अमोनिया जैसे यहाँ एक देखने वाली क्या सवाल पैदा होती है कि जो हमारी अमोनिया गैस है तो गैस की टेंडेंसी होती है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी गैस नीचे आ रही है, इसे कैसे होता है कि जब हम यहाँ से रिएक्ट कराएं तो ऊपर से यहाँ से सावर लगे होते हैं, सावर क्या करते हैं उन्हें उनके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं जिससे वो लिक्विफाइड फॉर्म में नीचे आते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमारी 8 से 30% तक अमोनिया गैसेज फॉर्म में मिल गई। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, हमें अमोनिया जो प्राप्त करनी है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त करनी है, लिक्विड फॉर्म में। अब इसको हम लाते हैं चिलर में। चिलर का काम होता है कि किसी भी गैसेज फॉर्म में जिसका टेम्परेचर हाई है उसे कोल्ड करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक, तो ये हमारे जो दिख रहे हैं वो पाइप्स होती हैं, ट्यूब्स। ठीक, इसके अंदर हमारी गैसें फ्लो होंगी और ऊपर से हम ठंडा पानी इसके ऊपर फ्लो कराएंगे जिससे हमारी गैसें मोस्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ये हम इसे लेकर आते हैं सेपरेटर में। अब सेपरेटर का क्या काम है, जो लिक्विड होंगे उन्हें अलग करना, जो गैस होंगे उन्हें अलग करना। ठीक, तो जो हमारी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है उसे तो हम नीचे ले आते हैं। ठीक, उसका तो काम हो गया। अब जो हमारी गैसें बची जो कन्वर्ट नहीं हुई है उसे हम देखो साइड से लेकर आए हैं, यहाँ अमोनिया रेफ्रिजरेंट। इसका काम क्या होता है, जैसे अमोनिया एक ठंडी गैस है। ठीक, अब इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर कम है तो हमेशा हीट ट्रांसफर हाई टू लो होती है, तो जो हमारी गैस होगी वो ठंडी हो जाएगी और जैसे ही ठंडी होगी वो हमारी लिक्विड फॉर्म में नीचे होकर चली जाएगी। ठीक, जो गैसें अभी यहाँ ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाई है उसे हम फिर से सेंट्रीफ्यूज पंप लगे हुए इसके द्वारा हम ऊपर से रिसाइकिल कर देते हैं और रिएक्टर में फिर से ले जाकर रिएक्शन कराते हैं। ठीक, अब जो हमारी लिक्विड मिल गई उसे हम स्पेशल टैंक में स्टोरेज कर लेते हैं। अलग अलग गैस अलग अलग लिक्विड को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के टैंक होते हैं। टैंक की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, किस बेस पे किए जाते हैं, उनको
को प्रेशर देखा जाता है कि किस तरह से उसमें प्रेशर लग रहा है। इसमें प्रेशर के कंपोनेंट सही रूप से नहीं लग पाते जिससे टैंक फटने की संभावना कम होती है, इसलिए स्फेरिकल टैंक यूज किया जाता है, ना कि आयर टाइप का और टाइप का नहीं होता, क्योंकि आप देखेगा प्रेशर का कंपोनेंट एग्जैक्ट लगता है हर तरीके से, इसलिए इसे नहीं यूज किया जाता। इसमें प्रेशर के एंगल सही रूप से नहीं लग पाता इसलिए यूज किया जाता है। फिर से देखते हैं क्या होती है। इसमें हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ले लिया, अब इसे कंप्रेसर में हम कंप्रेस करके आगे फ्लो कराएं, आगे फ्लो कराएंगे तो इसमें ऑयल की इंप्यूरिटीज होती है जिसे हम ऑयल फिल्टर द्वारा रिमूव कर देते हैं। अब आगे आती है हमारी फीड गन। फीड गन का मोस्टली काम क्या होता है, जो हमारे पास CO और CO2 है उसे मीथेन में कन्वर्ट कर देना, और आर्गन जो गैस होती है वो होती है अमोनिया के लिए पॉइजन का काम करती है, इसलिए उसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अब जो हमारे पास प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बची उसे हम रिएक्टर में ले जाकर रिएक्ट कराते हैं। जितनी हमारी अमोनिया बननी होती है यहाँ बन गई 8-30% तक, वो भी गैसेस फॉर्म में। ठीक, अब इसको हमें ठंडा करना, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे हम कूल वाटर चिलर में जाकर ठंडा करते हैं। अब सेपरेटर में जब लाते हैं तो जितना लिक्विड होता है वो तो हम नीचे ले आते हैं, बाकी गैस को अमोनिया रेफ्रिजरेंट में लाते हैं ताकि यहाँ ठंडा होते लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट हो गया तो इसे भी लेकर टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी जो कन्वर्ट नहीं हुआ है ये सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज इसमें द्वारा पंप करके फिर से रिएक्टर में डाल देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई या फ्लोशीट में कोई डाउट नजर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अगर अभी तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।